थे कि भारत की तरफ से 26 रिक्वेस्ट गई थी कि इन लोग ये लोग क्रिमिनल दे आर वांटेड इन इंडिया इनको हमारे हवाले किया जाए लेकिन एक भी बंदा हवाले नहीं किया गया तो और दूसरा फैटफ के अंदर देखा जाए मैं, मैं जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट पे मौजूद था तो मैं फैट पे बड़ी रिसर्च करता रहा हूं फैटअफ वर्ल्ड बैंक यहां भारत के, भारत के जोरिकन अमेरिकन जो लोग है, अ, है, strong, अ, अ, in और लश्कर दोनों टेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मैं बल्कि उनको डेफिनेटली कहूँगा उनको सपोर्ट करना बिल्कुल मुनासब नहीं है उसकी मिसाल देना चाहूंगा लेकिन आपको मुसलसल कह रही है कि जिहाद करें आपको मुसलसिल कह रही है कि यह सियासत नहीं ये जिहाद है आओ निकलो बार गोलियां खाओ जेल भरो जाके लेकिन ये सिर्फ आपका अलमिया नहीं है ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का इशू है आप दुनिया में पीछे क्यों रहते जा रहे हैं हर चीज के अंदर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी में जबान में इस वक्त फलस्तीन और इसराइल का प्रॉब्लम प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है उनके प्लाटों का प्रॉब्लम है उनकी जायदादों का प्रॉब्लम है उसको एक मजहबी रंग देना बुजुर्गों को मारना सिविलियंस को गोलियां मारकर अल्लाह अकबर के नारे लगाना मेरे ख्याल में ये दिस इज नॉट फेयर विद इस्लाम एट द सेम टाइम और इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना भारत की जरूरत नहीं है मैं हमेशा यह कहता हूं अगले दिन मुझसे किसी ने पूछा वो भारत तो हमसे बात नहीं करता तो मैं उनसे मैंने उनको जवाब दिया था कि प्यासा कुएं के पास जाता है कुआ प्यासे के पास नहीं आता अफसोस के साथ जिस तरीके से आज बांग्लादेशी आपको बांग्लादेश के लोग आपसे नफरत करते हैं उसी तरीके से आपके साथ अफगान अफगानी भी नफरत करते हैं भारत का जो है आपके साथ नफरतों का, वो साल का के लेकिन पाकिस्तान ने फिर से वही कश्मीर 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 का जिक्र किया जिसके ऊपर जो है इंडिया की तरफ से भी जवाब दिया गया और बड़ी बात यह है कि जो यूएस की तरफ से वहां पर स्टेटमेंट दी गई कि हमास लश्

तो अच्छा सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को अभी रिसेंटली हमारी हिंदू बरदरी ने दुशहरा मनाया है उनको मैं हैप्पी दुशहरा कहना आ, कहना चाहूंगा उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूंगा आ, मुझे बिलखसूस आपके देखने वालों ने बहुत मैसेज किए अब मैं उनका बड़ा ममनून हूँ यहाँ पे आप बल्कि पाकिस्तान में नहीं मैं अमेरिका में जहां बैठा हूं मैं काफी हिंदू बरदरी मेरे काफी दोस्त हैं हिंदू और मैं सेलिब्रेट किया अब दिवाली आने वाली है तो मेरी तरफ से दिल ही मुबारकबाद जाद तो चलो सब दूसरी जो मैं बात कहना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन के हवाले से

उसके बाद दूसरा करप्शन है और तीसरा आपकी इकानमी है अगर देखा जाए और उसमें बिलखसूस हमारे नवाज शरीफ साहब ने अगले दिन अपनी तकरीर में जो आपके मुस्तबल के वजीर आजम हैं उन्होंने सिग्नल दिया है कि पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करने हैं आज मुनीर अक्रम साहब ने ये उसको देकर मैं हमेशा ये कहता हूं आप एक स्टेप आगे जाते हैं दो स्टेप पीछे चले जाते हैं एक कदम आगे दो कदम पीछे इस तरीके से आप उस रीजन में तरक्की नहीं कर पाएंगे अफसोस के साथ जिस तरीके से आज बांग्लादेशी आपको बांग्लादेश के लोग आपसे नफरत करते हैं उसी तरीके से आपके साथ अफगान अफगानी भी नफरत करते हैं भारत का जो है आपके साथ नफरतों का वो छिहत्तर साल का रैकेट मौजूद है मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं मैं समझता हूं कि छिहत्तर साल में अगर आपने नफरतों और जंगों से कुछ नहीं सीखा एक दफा प्यार और मोहब्बत और हारमोनी को भी मौका देकर देखें मेरे ख्याल में अब ट्वेंटी सेंचुरी है इसमें इसमें जियो इकनॉमिक्स का दौर है इस वक्त जंगों का दौर नहीं है जो कुछ भी आज बल्कि मिडल ईस्ट में हो रहा है मैं उनको भी कंडेम करूंगा सिविलियन लाइफ बहुत कीमती है चाहे साहब जो भी इंसान जो भी जिंदा चीज इस दुनिया में है उसकी कीमत है उस, वो किसी ना किसी के लिए कीमती है वो तो मैं ये समझूंगा कि बजाय नफरतों के कोशिश किया जाए ये सारे अपने मसाइल डिप्लोमेसी के साथ हल करने की कोशिश की जाए बिलखसूस इस वक्त आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना भारत की जरूरत नहीं है मैं हमेशा यह कहता हूं अगले दिन मुझसे किसी ने पूछा कि वो भारत तो हमसे बात नहीं करता तो मैं उनसे मैंने उनको जवाब दिया था कि प्यासा कुएं के पास जाता है कुआं प्यासे के पास नहीं आता इस वक्त वो तरक्कियों पे है उनसे सीखने की कोशिश करें कुछ ऐसे ही है सर लश्कर तैयबा और हमास का जिक्र हुआ यूनाइटेड की सिक्योरिटी काउंसिल में और कंपेयर किया गया हमास को लश्कर तैयबा के साथ अगर तुर्की की बात करें वो हमास को फ्रीडम फाइटर कहते नजर आते हैं अगर वेस्ट की बात करें तो वो टेररिस्ट कहते नजर आते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये चीजें देखी जाती हैं दिखाई जाती हैं क्या कहना चाहेंगे इसको मतलब यह है कि आप कैसे अपना ओपिनियन देंगे इसके ऊपर इसके ऊपर मैं जोसाफ क्योंकि मैं अमेरिकन हूं मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका के लाश के हिसाब से हमास और लश्कर तैयबा दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मैं बल्कि उनको डेफिनेटली कहूंगा कि दे आर टेररिस्ट उनको सपोर्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा कि अगले दिन इसराइल के ऊपर जो कुछ भी आज हो रहा है इसराइल के ऊपर अटैक जो है वो हमास ने किया था एक हजार उनके दहशतगर्द थे जिन्होंने दो मिलियन फलस्तीनी जो है उनको बस के नीचे फेंक दिया है आज उन बेयारो मददगार हैं आज वो तकरीबन 5500 पचपन सौ के करीब अमुआत हो चुकी हैं उनमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं लेकिन ये सोचना होगा कि वो उनके ऊपर ये जंग मुसलत किसने की है मैं हमास को ब्लेम करूंगा आज मैं बल्कि देख रहा था कि अभी तक इसमें अब आज इलान मस्क का एक बयान आया है कि शायद हम सा, अ, दुनिया जो है तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है चाइना के छह बैरी बेड़े जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर जा चुके हैं और अभी तक तो इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन शुरू नहीं की लेकिन अगर उन्होंने शुरू की तो वाकई हम तीसरी जंग की तरफ जाएंगे और मैं बिल्कुल खास भैसیتے एक इंसान और भैसیتے एक पाकिस्तानी और एक पाक और फिर अमेरिकन कंडेम करूंगा कि टेररिज्म इज नॉट अ सॉल्यूशन और इस्लाम के अंदर इसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है मुझे दुख के साथ कहूंगा हमास ने अगले दिन एक आ,

हम जब किसी से एक दूसरे से मिलते हैं हम कहते हैं सलाम दोनों का मतलब वो हिब्रो में शलोम का मतलब भी पीस है सलामती है इस्लाम के अंदर सलाम का मतलब भी अरबी का लफज है उसका मतलब सलामती है, सलामती है। पीस है तो अगर ये दोनों मुजाहिब पीस की बात करते हैं तो इस वक्त एक दूसरे के सिविलियंस को मारना मैं समझता हूं ये ज्यादा आर्मीज जो लोग आर्मी तैयार होती है जंग में जाके करना चाहिए जो कुछ भी करना है गरीब लोग जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं उनका आपकी फॉरन पॉलिसी या किसी चीज से दहशत से क्या तलक है आज आज मैं देख रहा था अब इस वक्त जो सूरत हाल है हम आ, आ, फलस्तीन के अंदर तेरह सौ टनल्स हैं इस वक्त गजा के नीचे और उसमें उन्होंने जितने हॉस्टेज हैं 200 सौ हॉस्टेज हैं उनको नीचे छुपा के टनल्स में रखा है इस वक्त अगर देखा जाए तो उनका उनका कोई प्लान नहीं है आप खुद नीचे टनल्स में छुपकर बैठे हैं हमास वाले और ऊपर जो है नहते फलस्तीनी वो बेचारे मारे जा रहे हैं इस पर जितना भी अफसोस किया जाए है सर इधर एक बात यह भी कही जाती है मतलब अगर कोई लॉजिक देता है इस तरीके से तो ये कहा जाता है कि आज हमास ने अगर अटैक किया तो पूरी दुनिया बोल रही है जी हमास ने अटैक क्यों किया हमास ने जंग का आगाज क्यों किया जो पचास साल से जो साठ साल से फलस्तीन के ऊपर जुलम हो रहा निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जुलम हो रहा तब तो कोई दुनिया बोली नहीं क्या कहना चाहेंगे उसमें और इसमें अटैक करने में इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक क्या फर्क है और सेकेंडली अगर बड़ी बात हम ये करें कि क्या इस जंग से क्या दुनिया आपने ये बोला गया वर्ल्ड थ्री स्टार्ट होने का खतरा है एलन मस्क ने ये स्टेटमेंट दी खतरा तो एक साइड पे क्या ऑलरेडी दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है दो ग्रुप्स में जो सब आज बिल्कुल नहीं दो ग्रुप्स में पहले ही मौजूद है देखें इस वक्त जो अक्सर हम बात करते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के दो सिविल दो सिविलाइजेशंस का क्लैश है एक वेस्ट है और दूसरा दूसरी दुनिया पे दो बिलियन मुसलमान हैं, हमारी सिविलाइजेशन लेकिन आपको ये सोचना होगा बैसीते मुसलमान क्या पीछे क्यों रह गए हैं इस सिविलाइजेशन में आप पीछे क्यों रह गए मैं इसकी एक मिसाल देना चाहूंगा कि आपके पास तेल की दौलत थी खुदा ने आपको बहुत माला माल किया तेल के साथ आपने एक भी यूनिवर्सिटी वहां बिल्ड नहीं की आप, सारे सबके बच्चे अभी तक वेस्ट में पढ़ने आते हैं आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आज भी मौजूद है एक सिंगल हॉस्पिटल आपके पास नहीं है वो भी सारे आप इलाज तक कराने के लिए अमेरिका आते हैं अभी तक जाना आपकर में आप हर चीज में पीछे क्यों हैं वजह ये सिविलाइजेशन तो फिर होगा होगा बार बार होगा। आप मेरा सिविला आज मैं जो मैं आपके खासकर बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से कहता हूं आपकी रूलिंग सारी अपने बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ाती है लेकिन आपको मुसलसल कह रही है कि जिहाद करें आपको मुसलसल कह रही है कि यह सियासत नहीं है जिहाद है आओ निकलो बाहर गोलियां खाओ जेल भरो जाके लेकिन ये सिर्फ आपका अलमिया नहीं है ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का इशू है आप दुनिया में पीछे क्यों रहते जा रहे हैं हर चीज के अंदर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी में जबान में सिविलाइजेशन में दिस इज ओरिजिनली अगर देखा जाए जो कुछ भी आज हो रहा है ये बिल्कुल आपकी ठीक है दुनिया दो ग्रुपों में है सिविलाइजेशन का इशू है इस वक्त मैं जब बात अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ आपके इस वक्त आपकी जितनी साइंटिफिक रिसर्च है दुनिया की मेजोरिटी इंग्लिश में है लेकिन आपने इंग्लिश सीखने से इनकार कर दिया है आपके पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है आपके जितने पढ़े लिखे मैं कई लड़के देखता हूं जिन्होंने एमबीए किए हैं मास्टर डिग्री है। उनके पास इंग्लिश की एप्लीकेशन एक लेटर तक नहीं लिख सकते तो तरक्की किस तरह करेंगे आप आप मुझे यह बताए मैंने पिछली दफा कहा था आप उर्दू में ओपन हार्ट सर्जरी किस तरह करेंगे आप चंद्रयान फ, फोर किस तरह भेजेंगे चांद के ऊपर आप किस तरीके से आदित्य वन एल किस तरह उसका मुकाबला करेंगे उर्दू में पंजाबी में ये क्या ये ड्रामा है और ये सिर्फ आपकी हालत नहीं है अफगानिस्तान देख लें आप वो बिल्कुल इस तरह जिस तरह पत्थर के जमाने में फिर रहे हैं अभी पर गदों पे और उधर आप देख लें मिडल ईस्ट के हालात देख लें मैंने जिस तरह आपको कहा है कि इत, इतने अमीर हैं लेकिन एक भी ढंग की यूनिवर्सिटी किसी इस्लामिक वर्ल्ड में इस वक्त नहीं है एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पर सऊदी और कोती शहजादे अपना इलाज करा सके ये क्यों आप इतना हर दुनिया में लेकिन जंगों से तरक्की नहीं कर पाएंगे आप बल्कि जंगे आपको मजीद नीचे लेकर जाएंगी इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है फलस्तीनियों का हो रहा है, हो रहा है। उट, होगा मुसलसल क्योंकि सिविलाइज नहीं है ऑर्गेनाइज नहीं है वो हमास से अच्छा हमास की बात सुन लेते हैं हमास के बारे में मैं बताना चाहूंगा जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा गजा के अंदर उन्होंने पी को लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को डिफीट किया इनके फोर्टी एट परसेंट थे उनके फोर्टी वन परसेंट थे उन्होंने से उनको निकाल दिया। वो वेस्ट बैंक में चले गए इन्होंने 2006 के बाद इलेक्शन ही नहीं कराया वहां पे गाजा के अंदर अगर आपकी हालत यह है कि आप अपने लोगों को खुद ही प्रेस कर रहे हैं आप जरा आज नजर दुक दौड़ा कर देखें आपके इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करप्शन है इस वक्त सबसे ज्यादा करप्शन ठीक है सर आपने आपने पाकिस्तान की बात की कि भाई अफगानिस्तान को देख लें वो आज भी किस दौर में रह रहे हैं लेकिन अगर अब लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट होती नजर आ रही है दुनिया की सबसे बड़ी नहर जो सी है वो वहां पे वो बनाते नजर आ रहे हैं चाइना के साथ जिस तरीके से उनके बहुत से डील्स चल रही है बहुत से प्रोजेक्ट पे काम करते नजर आ रहे हैं और यूनिटी बड़ी चीज जो उनमें देखती देखी जा रही है यूनिटी उनमें बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पाकिस्तानी हम यहाँ आपस में बहुत से इतलाफा रखते हैं पार्टी सिस्टम यहाँ पे अजीब किस्म का है आपको क्या लगता है जैसे कभी अफगानिस्तान अपना बांग्लादेश के हवाले से कहा जाता था दो टके के लोग हैं और ये हमारे सर पे बोझ हैं और ये चीज आज अफगानिस्तान की अगर ये सिचुएशन है तो आने वाले टाइम में क्या अफगानिस्तान भी आगे जाता नजर आ रहा है आपको आ चुका है चौसा किस टेक्निकल तरीके से आपके सारे इस वक्त जो रूलर है आपके सारे आपके हर डिपार्टमेंट को हेड करने वाला जो है उसके पास डिग्री बाहर की है इंग्लैंड की अमेरिका की उनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ आपके डॉलर सारे वो सक करके ले गए आपके आज वहां पे उनकी इकॉनमी आपसे बेहतर है आज वो वहां खड़े होके आपका मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन दर हकीकत मसला ये है कि आप पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है आप सिर्फ नाम के पाकिस्तानी आपके आपके रूल करने वाले आपके ऊपर जो जितने हुक्मरान हैं चाहे सियासी हैं चाहे जुडिशरी है चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, है, है वो सारे के सारे डू एन सिटीजन हैं उन सब के बच्चे बाहर हैं तो दर हकीकत जो पाकिस्तानी नहीं है जिनके पास बाहर की नेशनैलिटियां हैं वो आपके मुस्तबिल क्यों फैसले करेंगे आप मैं पिछले तीन चार अपने अभी जो प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें जी। आपके जो दो भाई प्राइम मिनिस्टर हैं अनूज एक लंदन चला गया दूसरा वापस आ गया इनके सबकी प्रॉपर्टियां सारी फैमिलियां तो इनकी बाहर बैठी सबकी मरियम नवाज के बच्चे भी सब वहां हैं जुनेद सफर भी बाहर बैठे मेरा मकसद है कि हमजा शबाज उनके बच्चे भी वहां वो आपकी किस्मत के फैसले ये क्यों करेंगे ये क्यों चाहेंगे कि आप तरक्की करें यी अगर यी आप पढ़ लिख जाएंगे आप तरक्की करेंगे तो वो हुत किस तरह करेंगे यही चीज है जब आप जैसे लोगों की ओपिनियन लोगों तक पहुंचाई जाएगी और ये बातें जब आम पब्लिक को बताई जाएगी भाई अब सोच बदलने का वक्त है अब अपने आप को अवेयर करने का वक्त है अब ये जज्बाती नारों से बाहर निकल के प्रैक्टिकली टेक्निकली काम करने की जरूरत है तो शायद फिर ही कुछ उम्मीद होगी कि पाकिस्तान आने वाले कोई बीस साल बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग की तरफ जाएगा सर बड़ी खबर ये है खबर के मुताबिक इंडिया जो है वो कैनेडा को एफ की

आ, और उस, उस आपने देखा होगा कि श्रीलंका वाले बोले उन्होंने कहा हमारे तामल जो थे टाइगर्स उनको पॉलिटिकल पोलिटिकलम दिया जाता था उसके बाद बांग्लादेश के जो है वो भी बोले इनके खिलाफ जो तो दर हकीकत ये वाकई फैक्ट है कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल असाइलम देने का सिस्टम है उसको लोग अब्यूज करते हैं और इनको चाहिए उसको अमेंड करें आप ये देखें कि भारत की तरफ से छब्बीस इन लोग ये लोग लो क्रिमिनल हैं, वांटेड इन इंडिया इनको हमारे हवाले किया जाए लेकिन एक भी बंदा हवाले नहीं किया गया तो तरह की, और दूसरा फैटफ के अंदर देखा जाए मैं, मैं जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट पे मौजूद था तो मैं फैटअप पे बड़ी रिसर्च करता रहा हूं फैटअफ IMF और वर्ल्ड बैंक यहां भारत के और भारती, भारत के जो अमेरिकन भारती, अमेरिकन भारतीय जो लोग जाएंगे ऑन दम no और उनको इसमें ग्रे लिस्ट इस में लाया जाएगा मैं, और मैं समझता हूं कि कैनेडा को फ्यूचर के अपने कवानीन को अमेंड करने की जरूरत है जिस तरीके से इस वक्त इंटरनेशनल स्टेज uh, के ऊपर कनाडा uh, को बड़े तनकीद के साथ देखा जा रहा है बड़ी क्रिटिकल चीज़ों से देखा जा रहा है कि दुनिया भर से लोग जो है वो क्राइम करके कनाडा में जाके पॉलिटिकल ले असाइलम ले लेते हैं वो हर चीज़ जो है वो लबी डबी हो जाती है इनको अपने कवानीन एवेंट करने होंगे और मैं समझता हूं आज बल्कि इस कैनेडा के, के हवाले से मैं एक और बात भी करना चाहूंगा कि आज ब, हमारे जो भारतीय कनेडियन थे उनको वीजों का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था आज भारत ने उनको कैनेडियन कैनेडियंस को शुरू कर दिए ये भी एक 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 इसमें चीज ठीक है सर भारत की जहां पे जिक्र हो रहा है वहां पे एक चीज और इसराइल के जो नहीं अम्बेसडर ने बोला है कि हमास को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या लगता है कि इंडिया में हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डिक्लेयर की जाएगी

जो दूसरे ममालिक तो वो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा भी उन्होंने प्रेशराइज किया तो वो करेंगे आज बल्कि यहां पे के सेक्रेटरी जनरल को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है एंटोनियोटर उन्होंने स्पीच दी है तो इसराइल का जो एनओ आई एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन उन्होंने उनके इस्तीफे की अपील भी की है तो इस वक्त हमासनों साइडों में प्रेशर काफी है सबसे बड़ा इशू इस वक्त आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल जो है इस वक्त गाजा के अंदर नहीं है उन्होंने ऑफर की थी इसराइल को कि हमें अगर पेट्रोल या डीजल दिया जाए तो हम पचास हास्टेज जो है उनको रिलीज कर देते हैं लेकिन दूसरी तरफ से काउंटर ऑफर आई थी कि अगर आप सारे लोगों को रिहा करते हैं तो फिर हम आपको डीजल या पेट्रोल टेम्पररी बेसिस पे देंगे लेकिन देखें आज उन्नीसवा दिन है और एक क्यामत सोहरा है मैं समझता हूं लेकिन इस पे हम सबको ये हमास को हमें हाँ टेररिस्ट डिक्लेयर करना होगा और स्पोर्ट खासकर आज ईरान जो है उनको 100 मिलियन हर साल का देता है बजाय वहां पे हॉस्पिटल स्कूल बनाए वो वहां पे टनल्स बना रहे हैं दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं जिसके मेरे ख्याल में इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है ठीक हो गया सर बहुत अच्छा लगा बात करके लास्ट में आखिरी दो मिनट में तीन मिनट में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें जो डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर आप क्या अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे पूरी दुनिया में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है देखिये सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल आपकी जुडिशरी इलेक्शन कमीशन और दूसरी चीजों के बारे में बात करूंगा कि चार हफ्ते के लिए एक प्राइम मिनिस्टर गए थे वो चार साल बाद आए हैं चार मिनट में उनको जमानत मिली है ये एक बहुत बड़ी बात है आपके हवाले से प्रेसिडेंट शी जो चाइनीज है वो अगले अगले महीने अमेरिका आ रहे हैं ये एक बहुत बड़ी खबर है और तीसरा ये है कि आ, अमेरिका में अपना उन्होंने नया स्पीकर चुन लिया है जिसका नाम माइक जॉनसन है तेईस दिन American, जो है उनकी असेंबली तेईस दिन बगैर स्पीकर के रही चौदह नाम इनके आए स्पीकरशिप के लिए चार राउंड ऑफ इलेक्शन हुए ये बहुत बड़ी बात थी आ, और दूसरा आखिरी बात यह मैं कहूंगा कि हमारे काकड़ साहब की प्रेजिडेंट शी के साथ तस्वीर बन गई उसको आपको बहुत बहुत मुबारक सर बड़ी बात है हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का आपने हमेशा की तरह बहुत रैशनल ओपिनियन दी देखने वालों से यह कहना चाहूंगा कि आपको साजिद साहब की बातें कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम साजिद साहब से बात करें डिबेट करें यह भी आप नीचे सजेस्ट कर सकते हैं और इस हवाले से अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि पूरी दुनिया में इस टाइम जिस तरीके से अनरेस्ट की सिचुएशन बनती नजर आ रही है दुनिया के कंट्रीज दो हिस्सों में डिवाइड होते नजर आ रहे हैं बड़े बड़े लोग ये स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में वर्ल्ड वॉर थ्री